राजस्थान पुलिस की एक टीम रविवार को टीवी पत्रकार अमन चोपड़ा गिरफ्तार करने के लिए नोएडा गई, लेकिन असफल होकर वापस लौट गई है क्योंकि चोपड़ा के घर पे पुलिस को ताला लगा मिला। वहीं शनिवार को राजस्थान उच्च न्यायालय ने बूंदी और अलवर जिलों में चोपड़ा के खिलाफ दर्ज दो मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश जारी किए थे। हालांकि अदालत ने डूंगरपुर जिले में दर्ज तीसरी FIR में उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई, जिसमें एक स्थानीय अदालत ने पत्रकार के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। राजस्थान पुलिस का कहना है कि उनकी टीम शनिवार को नोएडा में चोपड़ा के घर गई थी, लेकिन वहां पे वो नहीं मिले। पुलिस ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके साथ सहयोग नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये दूसरी बार था जब राजस्थान पुलिस की टीम चोपड़ा गिरफ्तार करने नोएडा गई है। पुलिस के मुताबिक पिछली बार की तरह इस बार भी यूपी पुलिस ने एक पुलिस स्टेशन में ले जाकर उनसे कुछ जानकारी लेने को कहा और काफी देर तक इंतजार करवाया। डोंगरपुर के SP सुधीर जोशी ने बताया कि हमारे अतिरिक्त SP ने उनके चोपड़ा के खिलाफ मामले की पहले जानकारी दे दी थी।